राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेडी एक गांव है। गोगामेडी में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के नवमी को गोगाजी लोक देवता का मेला लगता है। मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत दी है। रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बता दें कि गोगामेडी मेले में सभी धर्मों के लोग शिरकत करते हैं। ये मेला 19 अगस्त से जारी है जो 18 सितंबर तक रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे ने गोगामेडी मेले के लिए 3 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है। राजस्थान में अभी 2 महत्वपूर्ण लोक मेला का आयोजन हो रहा है। एक तो है गोगामेडी मेला और दूसरा है रामदेवरा मेला। इन में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और इन मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। अगर रामदेवरा मेले की बात करें तो 5 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जो कि जोधपुर से, भगत की कोठी से, श्री गंगानगर से और लालगढ़ से चलाई जा रही हैं। इसी तरह गोगामेडी मेले के लिए भी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो कि रेवाड़ी, सादलपुर, गोगामेडी के बीच में चल रही है। साथ ही साथ हमने गोगामेडी मेले के लिए जो है, जो हमारी नियमित ट्रेन चलती है, उनके भी कुछ ट्रेनों का हॉल्ट हमने अस्थायी रूप से गोगामेडी में प्रोवाइड किया है, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ट्रेन से आने में सहूलियत रहे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे समीक्षा कर रही है और भी इस रूट में इस मेले के कारण से अगर यात्री भार और दबाव बढ़ता है तो और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। गोगादेव गुरु भक्त, वीर योद्धा, प्रतापी राजा और गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनकी याद में गोगामेडी मेला लगता है। मान्यता के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने गोगामेडी गांव में 12 वर्ष तपस्या की थी। मेला स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले से श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। श्रद्धालुओं के रेलवे के फैसले पर काफी खुशी जताई गई है।